वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने रिसेंटली एक एनिवर्सरी के लिए केक बनाने का ट्राई किया था। दैट वाज माय मैं नहीं कहूँगी फर्स्ट ट्राई था, बट मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, बिकॉज दिस इज़ बिना अवन का और बिना एग का केक है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 1.5 कटोरी मैदा लिया था, जो आप कटोरी देख रहे हो, मैंने रफली उतना मैदा एक चलनी में डाला था। उसके बाद मैंने 3/4 चम्मच जो था बेकिंग पाउडर डाला था, और 3/4 से जस्ट हाफ हम बेकिंग सोडा उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो क्वांटिटी का जो रेशियो है वो 1:2 वाला रहता है। अब उसके बाद हम इसे सीव कर लेंगे अच्छे से, ताकि सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाए। अब हम अपने वेट मिक्सचर की तरफ चलते हैं। उसके लिए मैंने ले लिया थोड़ा दही, करीब आधी कटोरी दही था। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद मुझे उसे अच्छे से मिक्स करना है। तब तक करना है जब एक सा मिक्सचर ना हो जाए। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया पाउडर्ड शुगर। सो बेसिकली ये जो सब्स्टिट्यूट होता है वो यूजुअली लोग एग के साथ जो करते हैं वो हम दही के साथ करते हैं। उसके बाद हमने एसेंस डाले हैं, तो दैट्स द स्पेशलिटी। मैंने एसेंस का कॉम्बो यूज़ किया था यहाँ पर। मैंने थोड़ा सा वाइट रोज का एसेंस और वनीला एसेंस को मिक्स करके डाला था। क्वांटिटी अराउंड 3-4 ड्रॉप्स जो है ईच, उतना डालना है। नेक्स्ट मैंने उसमें मैदा ऐड करना शुरू किया। मैदा एक एक करके डालेंगे, एक बार में सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। उसके बाद मिक्सचर अगर टाइट होता जाएगा तो आप दूध उसमें ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद आप ये प्रोसीजर जब तक करते हैं, उससे पहले हम हमारा अवन जो है, अवन हमारा देसी अवन जो है, जो हमें इडली का स्टैंड रहता है हर घर में अवेलेबल होता है, वो लेंगे। उसमें नीचे नमक डालकर थाकर उसको चढ़ा देंगे। दिस इज़ फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट है हमारा जिसमें हमें बेक करना है, तो ये भी सबके घर में अवेलेबल हो ही जाता है। दिस इज़ अ नॉर्मल कंटेनर, हर किसी के घर में मिलता है। तो उसको हम सबसे पहले ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। उसके बाद हम लेंगे बटर पेपर, तो बटर पेपर नहीं तो पार्चमेंट पेपर, जिस तरह का थोड़ा सॉफ्ट पेपर बेसिकली हमें चाहिए, वो हम उसके ऊपर लगा देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के टैप कर देंगे, ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए। सिमिलरली साइड्स को हमें कवर करने के लिए सेम प्रोसेस में बटर पेपर को राउंड तरह लगा देना है। अब आप देख रहे हैं इस तरह का मिक्सचर जो है ना, कंसिस्टेंसी का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए हमारे केक के मिक्सचर के लिए। तो वो मैं अब इसके अंदर पोर कर दूंगी। अच्छे से पोर करने के बाद हमें उसे थोड़ा टैप करना है, ताकि बबल्स जो है, एयर बबल्स जो है, वो निकल जाए। उसके बाद बहुत ध्यान से हमारा देसी ओवन खोलना है, और उसके अंदर हम हमारा मिक्सचर डाल देंगे। तो मैंने ये करीब मिक्सचर जो 1.5 कटोरी का बनाया था वो अराउंड 45 मिनट्स रखा था। उसके बाद मेरा केक बनके तैयार हो गया था। केक को ठंडा करा, और उसके बाद एनिवर्सरी के लिए सबको बहुत जल्दी हो रही थी, तो हमने फटाफट उसकी आइसिंग करी जितनी अच्छी से हम कर सकते थे। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। ये इस तरह का केक बना था, एंड आप देख सकते हो केक का हाइट कितना अच्छा आया है। मतलब हमारा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का कंसिस्टेंसी एकदम बराबर था, इसलिए केक स्पॉन्जी और हाइट पकड़ लिया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी, और मुझे बताइए कि आपकी ये टेस्टी थी रेसिपी कैसी बनी। थैंक यू।